हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोचेस क्या क्या होते हैं प्रिवेंशन देने के एक्सीडेंट्स पे। मतलब कि टॉपिक है अप्रोचेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है उससे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये काम है, ठीक है, ये वर्क चल रहा है। मान लीजिए हाइट वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क कोई भी चल रहा है। अब आपको पहले क्या है, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करने से आपको क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके के एक्सीडेंट्स हैं जो हैं वो वहाँ हो सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल गया कि आप इस तरीके के एक्सीडेंट्स आप फेस कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए प्रिवेंशंस दोगे। तो जब भी आप प्रिवेंशन दोगे तो उसके लिए आप क्या क्या अप्रोचेस करोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप क्या क्या उस में लिस्ट में होगा, आप कैसे कैसे अप्रोचेस उसमें डालोगे प्रिवेंशन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यही है कि इमीडिएट कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो इमीडिएट कॉजेज़ कौन से होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, ये बनना होती है। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, जो भी सिचुएशन आती है एक्सीडेंट से रिलेटेड, वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से ही आती है। तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जैसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही है। हो रही है तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज़ आएंगे, उसमें क्या रहेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट हम क्या रख रहे हैं अपने यहाँ का, हमने कैसे सेफ्टी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद मेंटली कंडीशन क्या है वर्कर्स की और फिज़िकली कंडीशन क्या है। जो भी वर्कर हम ले रहे हैं, सबसे पहले वो मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसे काम करने के साथ साथ हर एक्सीडेंट को प्रिवेंशन जो दे रहे हैं वो सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए, किस तरीके से कौन सा काम करना है वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ये टेबल बना हुआ है, जो स्लाइड है, ये वो यही बता रही है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए ये करना होगा। और रिज़ल्ट आपके सामने ये होगा कि आप सारी चीज़ें सेफली कर पाएंगे। ठीक है, जो भी सेफ्टी है वो सारी मेंटेन रहेगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा, नियर मिस नहीं होंगे, इंजरी नहीं होगी, माइनर मेजर कोई भी इंजरी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि इमीडिएट कॉजेज़ अपने ये रहते हैं और आप उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिवेंशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट टेबल ये बता रहा है कि एक्सीडेंट सबसे पहले तो अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन आई। ठीक है, उसके बाद रूल्स आए और इंजीनियरिंग आई। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब ये बताया गया, जो नीचे के दो पॉइंट है उसमें यही बताया गया है कि आप कैसे किसी एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप रूल्स बनाएंगे, रूल्स के अंदर आ जाएगा टैकल करना, हर चीज़ को कैसे आप टैकल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपने क्या अपनी SOP बना रखी है वो बताना, क्या जो ऐसे आपने मेंटेन किया है, कैसे वर्क परमिट्स अलाउ किए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और किस तरीके से वो वर्क होना है, किस सेफ्टी के साथ वो वर्क होना है, वो सारा आ गया इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि आपके जो रूल्स हैं वो कैसे फॉलो हो रहे हैं, कैसे काम होगा, और जो इंजीनियरिंग मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली वर्क करने वाली हैं वो कैसे होगा, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में वो बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यही बता रही हैं मिलके कि आपको कैसे उस पर वर्क करना है। ठीक है, आप कैसे एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं, कैसे SOP आप मेंटेन कर सकते हैं उस जगह की, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देखिए, और फिर सबसे पहली चीज़ एक ये है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन आप कर रहे हैं तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर, जो टेस्ट प्रोसेस है वो आपकी होनी चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वर्क हो रहा है, और अगर उसमें कोई ख़राबी आ रही है तो उसे इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक अप्रोचेस जो रहते हैं उसके अंदर आता है एक ज़ीरो एक्सीडेंट विजन। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आपको जितने भी एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं उनको एलिमिनेट आप कैसे करें। ठीक है, आपका गोल ये है कि जो भी एक्सीडेंट वहाँ हो रहे हैं उन्हें आपको एलिमिनेट ही कर देना है। तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, पहले इसके एनालाइज करनी पड़ेगी और आपको एक प्रोसेस तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उस पर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़ीरो एक्सीडेंट विजन जो है वो यही बताता है कि कैसे एलिमिनेट करें आप उस एक्सीडेंट को कि वो दोबारा से ना होने पाए। तो ज़ीरो एक्सीडेंट विजन यही बताता है कि अगर आप उस जगह से वो एक्सीडेंट ही एलिमिनेट कर देंगे तो फिर कैसे आप
वो एक्सीडेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो उसमें यही बताया गया है कि आप ज़ीरो एक्सीडेंट जो अगर है, आप ज़ीरो एक्सीडेंट विजन अगर अपनाते हैं तो इसके अंदर आप बहुत हद तक अपने वर्क एरिया की सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग आप जब तक नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके वजह से अगर ट्रेनिंग नहीं दी है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर वो ट्रेन नहीं है तो सारी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, मेन चीज़ है ये इसकी। उसके बाद इमरजेंसी ब्रीफिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। क्या होता है कि जो भी आपने SOP बनाई, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, कोई भी प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, और वहाँ अगर इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें इमरजेंसी ब्रीफिंग में यही बताया जाएगा कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। जो भी वर्कर है वो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, इमरजेंसी ब्रीफिंग में ये बताया जाता है। इमरजेंसी ब्रीफिंग आपको जब एम्प्लॉयज़ को जब इमरजेंसी ब्रीफिंग कराई जा रही है उसके बारे में बताना उनको, वो ट्रेंड हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी ब्रीफिंग जो है वो सडनली ज़रूरत पड़ने पर की जाती है, ठीक है। से एक और चीज़ होती है जो कि है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हैजार्ड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। क्या होता है, अब कोई हैजार्डियस मटेरियल है, ठीक है, अब वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उसके बारे में बताया जाता है। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्या करना है, जब भी कोई भी मटेरियल हैजार्डियस मटेरियल यूज़ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमको उस मटेरियल को एक ऐसी जगह रख देना चाहिए जहां वो हैंडलिंग उसकी ठीक से हो सके, ठीक है। हमारे यूज़ में नहीं है तो हम उसे ऐसे स्टोर में रख दें जहां किसी का भी हाथ ना पहुंच पाए। इससे क्या होगा, मटेरियल भी सेफ़ रहेगा, अगर इन केस इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, और सेफली वो रखा भी रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। साथ ही हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन चेक्स, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, देखिए अगर आपके यहाँ के एम्प्लॉयज़ हेल्थी रहेंगे तो ही आपके यहाँ की इंडस्ट्री की वेल्थ रहेगी, ठीक है। तो ये जो है इसका इंस्पेक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आप हर चीज़ चेक कर सके। ऐसा तो नहीं कोई जो लेबर है या वर्कर है उसे थकान हो रही हो, उसकी वजह से वो बीमार हो रहा हो, कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ उनके अंदर तो नहीं आ रही है, तो रेगुलर चेकअप्स इनके होते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोचेस हैं किसके लिए, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए। तो ये मैंने आज आपको बताया इसके बारे में। सो थैंक यू।